सदगुरु के आदेश में रहे, नियम में रहे, मर्यादा में रहे, अनुशासन में रहे, निश्चित है हमारा आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। आप साधना कर रहे हैं लेकिन आप मनुखी हो चुके हैं, सदगुरु के आदेश में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, नियम में नहीं है, आप कहां तक आगे बढ़ पाएंगे। भावना हो हमारे अंदर समर्पण की, दीनता की, अधीनता की, आस्तिक्य भाव की, अमानी होने की, सदगुरु क्या नहीं कर सकता है। सदगुरु को हम देखते हैं ब्रह्म के रूप में। सदगुरु की जो शक्ति है वह कार्य करती है ब्रह्म के रूप में, इसका अनुभव हमें आपको कब होता है, जब हम साधन करते हैं चतुर्थ भूमि का। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माए, पारस दे जग जीव को कंचन रूप बां। सदगुरु प्रभु कछु नाही भेदा, सदगुरु प्रभु कछु नाही भेदा, सदगुरु तुम्हें मिटाही सब खेदा। सदगुरु जो है ब्रह्म का स्वरूप है, इस भाव से जब हम आप साधना करेंगे, सदगुरु के आदेश नियम में रहेंगे, निश्चित है हमारा आपका कल्याण होने वाला है, उद्धार होने वाला है। पंचचिती है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु के लाल हैं अंत महल पर जाए, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में चित चतुर्थ कोई पाए, धीर वीर कोई हंस है अंत महल पर जाए। यह विज्ञान आज कहाँ पर है। आप जाते हैं संतों के पास, आप जाते हैं महंतों के पास, आप जाते हैं गुरुओं के पास, गुरु लोग क्या कहते हैं, महंत लोग क्या कहते हैं, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण किसका हो, हमारा हो कि हमारे शरीर का हो, कि हमारे मन का उद्धार हो जाए। हमारी मनोकामना तो कई तरह की है, हम चाहते हैं शरीर से भी निरोग हो जाना, हम चाहते हैं कि हमारा मानसिक तनाव भी दूर हो जाए, हम चाहते हैं हमारे परिवार में अमन चैन शांति रहे, हम चाहते हैं हमारे कोई शत्रु न हो, कोई विरोधी न हो, हम चाहते हैं कि हम 100 वर्ष तक जीवें, हम ये भी चाहते हैं कि हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। चारों फल गुरु चरण में। सतगुरु पितर क्या कहते हैं कि जो भी हमारे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सबकी प्राप्ति सदगुरु चरणों में है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें साधना करनी है, हमें स्वर वेद पढ़ना है, जो पत्रिका है विहंगम और संदेश उसे मंगाना है, सदगुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार में समय दान देना है। मैं देखता हूँ कि प्रचार प्रसार में गति नहीं आ रही है, क्या कारण है।
त्रुटि हो रही है, कहाँ पर कमी हो रही है, इसका मूल्यांकन आप स्वतः कर सकते हैं। आज इस पवित्र अवसर पर, शुभ दिन पर, जो भी हमारे सदगुरु के भक्त शिष्य अनुयायी साधक जिज्ञासु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी एक संकल्प लें कि हम विहंगम योग संदेश जो पत्रिका है उसका ग्राहक बनाएंगे। दूसरा संकल्प लें कि हम प्रतिदिन समय दान देंगे प्रचार प्रसार में, और इसके बाद तो हम साधना करते ही हैं, वंदना करते ही हैं, ध्यान करते ही हैं, स्वर वेद पढ़ते ही हैं। सेवा सत्संग और भजन यही प्रधान तत्व है जिससे जीव का कल्याण होता है। इस गुरु गांव में हम पहले भी कई बार आ चुके हैं, यहाँ पर तो देवों का, ऋषियों का परमाणु क्रियाशील है ही, लेकिन हम उसको कैच कहाँ करते हैं, पकड़ते कहाँ हैं। सदगुरु की शक्ति से, सदगुरु के ज्ञान से जब हमें उस भूमि की प्राप्ति हो जाती है, तब हमें आपको ज्ञान हो जाता है कि कहाँ पर कौन शक्ति कार्य करती है। एक बार मैं जा रहा था प्रथम परंपरा सदगुरु के साथ 1962 में आश्रम से बलिया, पैदल हम लोग जा रहे थे, रास्ते में एक समाधि मिली, वहां पर जाते ही एक शब्द हुआ कि आप जा रहे हैं और मुझको पहचानते नहीं हैं। प्रथम परंपरा सतगुरु वहीं पर खड़े हो जाते हैं, वे कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां पर जाने पर हमें संकेत मिल जाता है। इस देश के अंदर ऐसे कई स्थल हैं जहां पर हम जाते हैं तो हमें अनुभव होता है यहां पर कोई शक्ति पहले कार्य करती थी, कोई विज्ञान इस स्थल पर है। तो हो सकता है उस ऐसे महान ज्ञान को पकड़ने की और सदगुरु की कृपा प्राप्त करने की, जिसके मिल जाने से हमारा संशय ब्रह्म सदा सदा के लिए दूर हो जाए। कभी कभी हमारे आपके अंदर संशय भ्रम भी पैदा हो जाता है, उसको दूर करने के लिए भी एक ही उपाय है कि हमें जो उपदेश मिला है, जो दीक्षा मिली है, उस भूमि से हम सदगुरु से प्रार्थना भी करें साधना के समय कि हमारे अंदर संशय ब्रह्म न रहे। जहाँ पर संशय ब्रह्म हुआ वहीं पर अविद्या ने डेरा डाल लिया, वहीं पर इंद्रियों का संसर्ग हुआ, इंद्रियों का दोष पैदा हो गया, वहीं पर संस्कार दोष आ गया, वहीं पर अंधकार आ गया। तो अंधकार को हमें दूर भगाना है, सदगुरु के प्रकाश को प्राप्त करना है, अपनी चेतना को ऊर्ध करना है, अपनी सोई शक्ति को जगाना है और अंत में हमें वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर पहुँच जाने पर यह संसार का बंधन छूट जाता है और यह जो जीव है संसार से, आवागमन से अलग हो जाता है। बोलिए सदगुरु।